नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं लाइव 24 इंडिया न्यूज भागलपुर बिहार। आज स्मार्ट सिटी जो कि काफ़ी बिहार का दूसरा सबसे बड़ा जिला जो कि भागलपुर जिला है, जबकि यहाँ पे कई ऐसे धरोधर है जो कि यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जैन मंदिर, नाथनगर और यहाँ पे बुनकर समाजों के लिए और काफ़ी ऐसे, और मैं जो कि इन्हें कौन नहीं जानते हैं, भागलपुर के लाल सपुत्र जो कि माटी का पुत्र इसे माना जाता है, मैं आपको बता दूं जो कि माननीय जो शहर के विधायक माननीय अजीत शर्मा जी से मैं आप लोगों को रूबरू करा रहा हूं। आप देख रहे हैं लाइव 24 इंडिया न्यूज भागलपुर। मैं भागलपुर टाउन से रशीद आलम मैं आप लोगों का अवगत करा रहा हूं। कैमरामैन अबरार के साथ मैं अजीत शर्मा जो शहर के माननीय विधायक जी हैं, तो चलते हैं उनसे राय। तो सर, मैं सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूँ सर। तो सर, जबकि ये काफ़ी चर्चित है, माननीय प्रधानमंत्री केंद्र सरकार द्वारा जो रेल को बंद करके रखा गया है सर, इन पे सर क्या कहना है आपको सर? अब मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, लगता है कि उन्हें कोई सूचना नहीं दिया। कोरोना महामारी मार्च में लॉकडाउन का 6 महीने बीत गए और जो लोग वापस आए हैं, जो काम कहीं कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, वो सब वापस आ गए थे डर के मारे। अब वो लोग वापस जाना चाहते हैं, कोई बीमार पड़ता है इलाज के लिए दिल्ली कलकत्ता जाना चाहते हैं, और भागलपुर सिल्क नगरी, पूरे विश्व में जाना जाता है यहाँ सिल्क उद्योग को। सारे करीब भागलपुर जिला में 1 लाख बुनकर भाई बेरोजगार बैठे हैं, खाने को उनके पास अनाज नहीं है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया हूँ कि बहुत हो गया, अब लोग सब समझ गए हैं, आप ट्रेन का परिचालन शुरू करें। ट्रेन का परिचालन आप शुरू नहीं करेंगे तो आप कोरोना महामारी से तो कम, भूख से भूखे रह के लोग अधिक मरेंगे। आप एक काम करिए, उनसे आग्रह किया मैं पत्र में कि आप ट्रेन चलाइए, उसमें थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करिए, मास्क पहनाइए, ट्रेन को पूरा सैनिटाइज करिए और लोग को एक दूसरे शहर जाने का इजाज़त दीजिए। अगर आप नहीं देंगे तो आप देख रहे हैं कि GDP ग्रोथ आपका -23.9 हो गया है। अगर आप इसको शुरू नहीं कराएंगे तो आप आर्थिक स्थिति नहीं संभाल पाएंगे, पूरा देश भूखे मर जाएगा। इसलिए आपको से आग्रह है कि आप ट्रेन यथाशीघ्र चलाएं और नियमों का पालन करके लोग एक दूसरे जगह व्यापारी जा सके। लोग व्यापारी लोग कलकत्ते से, दिल्ली से लोग सामान ला के यहाँ बेचने का काम करते हैं, रोजगार चलता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी से, रेल मंत्रालय से और मैंने माननीय मुख्यमंत्री को भी पत्र फॉरवर्ड किया है, आप लोग ट्रेन शुरू कराएँ। लोग बच्चे जो परीक्षा देने जाना चाहते हैं 150-200 किलोमीटर, वो नहीं जा पा रहे हैं, उनका करियर बर्बाद हो रहा है, इसलिए अब ट्रेन का परिचालन बहुत ज़रूरी है। सर, पहला सवाल है आपसे, भागलपुर जिला 7 विधानसभा क्षेत्र है, चुनाव की सरगर्मी चरम पर है, काफ़ी सुगबुगाहट है, तो इस 7 सीटों पे आपका क्या रणनीति रहेगा सर? देखिए, कांग्रेस इस बार जो बिहार की हालत है, मैं बता दूं, कोरोना महामारी में माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश तो बहुत जारी किया लेकिन धरातल पर कोई पदाधिकारी काम नहीं किया। किसी भी गरीब को राशन नहीं मिला, राशन कार्ड पता चला कि 80% लोगों का बना ही नहीं है, बनना शुरू भी हुआ तो राशन कार्ड कुछ लोगों को बटा है अभी तक और कुछ बटा भी नहीं है। दाल 2 किलो फ्री मिल रहा है, कहीं 1 किलो मिल रहा है, कहीं मिल नहीं रहा है, तो पूरा सरकार का सिस्टम जो है वो कोलैप्स्ड है। आपको बता दें, इस बार चुनाव में पूरे बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी और जहाँ तक भागलपुर जिला 7 विधानसभा है, यहाँ पर जो सरकार अभी NDA की, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी की, निश्चित तौर पर चुनाव में वो पराजित होंगे और महागठबंधन का 7 सीट जीतेंगे। तो जो कि राज्यसभा सांसद माननीय शक्ति सिंह गोहिल साहब जो कि उनको बिहार का प्रभारी बनाया गया है, तो क्या दिशा निर्देश मिला है उनके द्वारा आप लोगों को? नहीं, दिशा निर्देश तो ये है कि हम लोग अधिक से अधिक सीटों, जितना भी सीट हम लोग लें, अभी तो है कि एक सम्मानजनक कांग्रेस सीटों पर चुनाव लड़े, चूँकि अब पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस को चुनाव लड़ना है, ये बात जनता जानती है। इसलिए हम लोग भी चाहते हैं अधिक से अधिक सीट कांग्रेस चुनाव लड़े। और बता दें, कांग्रेस इस बार मूड बिहार का कांग्रेस की ओर है, महागठबंधन की ओर है और निश्चित तौर पर शक्ति सिंह गोहिल जी को पता है, हम लोगों ने सारा फीडबैक दे रखा है कि अधिक से अधिक सीट सम्मानजनक सीट पर, और हम लोग का मानना है कि हम लोग कम से कम 80 सीट से ऊपर लड़ें ताकि कांग्रेस एक वजूद में रहे और इसका मैसेज पूरे देश में जाए और NDA को परास्त कर सके। सर, एक अंतिम सवाल है आपसे, डॉल्फिन जो कि गंगा नदी जो कि काफ़ी आप इस पे रिसर्च भी किए थे, ये काफ़ी अच्छा भी लगा सर, इस पे थोड़ा सा बताओ। देखिए, डॉल्फिन जो जीव है वो भी हमारी तरह जीव है, बस वो देख नहीं सकता,
भागलपुर में ये जो लॉकडाउन में एक चीज बहुत अच्छा हुआ, डॉल्फिन वहाँ कम से कम 100-150 की संख्या में दो दो मिनट पर उछलते हैं। देखिएगा जो सड़क जो मैंने बनाया है वो पूरा मेरिन ड्राइव टाइप है भागलपुर में, हमारी सरकार घाट पर आप जाएंगे आप डॉल्फिन को देख पाएंगे। मैं तो आग्रह करता हूँ पर्यटन के हिसाब से इस क्षेत्र को विकसित करें और देश के ही लोग नहीं विश्व के लोग भी आके डॉल्फिन यहाँ देखें कि लोग उसको कैसे सुरक्षित रखे हैं और डॉल्फिन कैसे यहीं पर भागलपुर में आके मानिक सरकार घाट और कई घाटों पे खूब विकसित हो रही है और बड़ी आनंद से रह रही है। और हम लोग जनता से अपील किए हैं कि इसको सुरक्षा दीजिए, भोजन दीजिए ताकि वो यहीं रहे और यह एक पर्यटन स्थल बने। सर ये युवाओं का काफ़ी आपसे आशा है सर कि ये संडीस कंपाउंड को सुंदरीकरण करा के यहाँ पे एक राज्य स्तरीय मैच कराया जाए। देखिए ऐसा है कि स्मार्ट सिटी 2015 में घोषणा हुआ, अपन बोल भी रहे थे स्मार्ट, लेकिन स्मार्ट सिटी में कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ पे नगर निगम पूरा सिस्टम कोलैप्स है। मैंने कई बार माननीय मुख्यमंत्री को भी लिखा है, नगर आयोग से भी हमारी 5 दिन पहले ही बात हुआ है कि आपने कोई काम नहीं किया, न तो कूड़ा का ढेर हटता है, बीमारी फैले जा रही है, न ही कोई सड़क नाला ढंग से बन रहा है, न ही कोई ट्रैफिक की व्यवस्था, मतलब कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन आपको बता दें ये स्मार्ट जॉब सेंडिस कंपाउंड की बात कर रहे हैं, इसका पूरा मैप बना हुआ है, लेकिन अगर सही ढंग से काम नहीं होगा, चूंकि ये एक यहाँ का धरोहर है, सैंडिस कंपाउंड में पूरी भागलपुर की जनता घूमने जाती है, टहलने जाती है, दौड़ने जाती है और यहाँ पर रणजी ट्रॉफी मैच तक हुए हैं। मैं चाहूँगा यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मैच हो, उसके लिए हम लोगों ने प्लान किया है, बताया भी है कि आप उसको थोड़ा बड़ा करिए और जगह काफ़ी है और मेरा मानना है कि निश्चित तौर पर ये होगा। और चूंकि अब चुनाव का घोषणा होने वाला है इसलिए मैं तो उसमें व्यस्त हो जाऊंगा, लेकिन अगर मैं बता दूं अगर ये लोग अंतर्राष्ट्रीय मैच के हिसाब से नहीं बनाएंगे इसका मैं कड़ा विरोध करूंगा और इसको बनवा के रहूंगा। तो आप जो कि यहाँ पे शहर के विधायक जी के, मैं आवाज से भागलपुर से रशीद आलम, कैमरामैन अबरार अहमद के साथ भागलपुर बिहार। रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाइक बटन पर तुरंत क्लिक करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बगल में सब्सक्राइब का भी बटन है, कृपया सब्सक्राइब पर जरूर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं और हमारे सारे वीडियोस को सबसे पहले देखने का मौका पाएं।